हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। आज मैं आपके सामने आने वाला हूं विषय लेके, डिप्रेशन, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, पहचानना कैसे। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, फिर उसको पहचानना कैसे। नंबर एक है कि सैडनेस ऑफ मूड, मतलब उसका मूड जो है, भावना, वो उदासीनता की रहती है, निराश और हताश रहता है वो। फिर नंबर दो का है भूख नहीं लगना। तो ये लोगों को भूख नहीं लगती, और भूख न लगने से मतलब खाने में कुछ रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं रहती है खाना उनको, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है। तीसरा है और इम्पॉर्टेंट जो है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि नहीं होना, कोई भी बात में रुचि नहीं, ना काम करने में रुचि, ना कहीं जाने आने में रुचि। फिर क्या होता है, नींद नहीं आना। ये लोगों को सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है, या रात को लेट तक नींद नहीं आती, या फिर बीच बीच में नींद खुलते जाती है, मतलब साउंड स्लीप नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती। फिर नेक्स्ट है पांचवा, साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब हमारी हलचल, हमारे जो मूवमेंट है। तो कुछ लोगों को हमारे जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से बात करेंगे, उनकी क्रिया मतलब खाना भी खाएंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे खाना खाने को, बोलना है तो बोलने का स्पीड एकदम कम है, बहुत आराम से बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है छठवा, वो है एनर्जी, उत्साह या ऊर्जा। तो बहुत ये लोगों में बहुत कम हो जाती है डिप्रेशन, बहुत ही कम एनर्जी, उनको कोई काम करने में उत्साह नहीं, वीकनेस, थकान, टायर्डनेस। फिर सातवां जो पॉइंट है, उनको लगता है गिल्ट। गिल्ट मतलब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत, उनको लगता है कि मैं बहुत दोषी हूं, मैंने कोई अपराध किया हुआ है पास्ट में, अतीत में कुछ ना कुछ मैंने गलत काम किया हुआ है, वो मैंने नहीं करना चाहिए था, या उनको लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूं। फिर आठवां जो है सिम्टम, लक्षण जो है, वो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ख्याल नहीं रहना कोई काम में, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से फिर वो भूल जाते हैं, भुलक्कड़पन आ जाता है, कोई भी काम में एक चित्त नहीं रहता उनका। नौवा जो है वो है सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म या खुद को मतलब कुछ ना कुछ ये कर लेना, इंजरी कर लेना, या उनके दिमाग में विचार आते कि सुसाइड कर लेना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।